हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आप देखते हैं सपने में अपने भाई के साथ खुद को घूमते हुए देखते हैं, या सपने में आप देखते हैं कि आप अपने भाई के साथ घूम रहे हैं, तो इसका अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही शुभ सपना है। इसका अर्थ होता है कि आने वाले समय में आपको अपने भाई से कुछ गिफ्ट मिल सकती है या कुछ फाइनेंशियली हेल्प मिल सकती है। तो दोस्तों, ये एक शुभ सपना है। और इसके साइकोलॉजिकली मीनिंग के बारे में जाने तो साइकोलॉजी ये कहता है कि आपका माइंड आपको ये इस सपने के थ्रू ये दिखाने की कोशिश करता है कि आप अपने भाई के साथ अगर सपने में कहीं घूमते हुए देख रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं, घूम रहे हैं दोनों अलग अलग नई नई जगहों पर, तो इसका अर्थ ये होता है, साइकोलॉजी आपको ये समझाने की कोशिश करता है कि आपका आपके भाई के साथ दूरी बढ़ रही है। हो सकता है आप एक साथ रहें, फिर भी आपकी जो फ्रेंडशिप जो थी वो लगभग ख़त्म होने के कगार पर जा रही है। आप अपने भाई से बहुत बातें छुपाते हैं, शेयर नहीं करते हैं, और आपके भाई भी आपसे बहुत सारी बातें शेयर नहीं करते हैं। तो ये सपना आपको ये संकेत देता है कि आपको अपने भाई के साथ बैठना चाहिए। कौन सी प्रॉब्लम आपके लाइफ में चल रही है, आपकी ज़िंदगी कैसी चल रही है, ये सारी बातें अपने भाई के साथ आपको शेयर करना चाहिए। सपने में भाई के साथ घूमना इसी ओर संकेत करता है। साइकोलॉजी भी ये आपको संकेत देना चाहता है कि आपको अपने भाई की थोड़ा बहुत अपनी फीलिंग को शेयर करना चाहिए, इससे आपके और आपके भाई के बीच की नज़दीकी बढ़ेगी, यही संकेत देना चाहता है साइकोलॉजी। लेकिन स्वप्न शास्त्र के हिसाब से आपको अपने भाई के को आपके जो भाई होंगे वो आपको गिफ्ट दे सकते हैं। अगर आपने सपने में अपने बड़े भाई को देखा है, अगर आपने सपने में छोटे भाई को देखा है, तो आपका छोटा भाई किसी न किसी क्षेत्र में कुछ ऐसा काम करेगा जिसके बलबूते आपको फक्र होगा अपने छोटे भाई पे, ऐसा कुछ इस सपने का असर होने वाला है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।